Welcome back, my dear students. This is the second video for class 12. In this video, we are going to deal with some new topics. And first of all, I want to discuss those two questions which I gave you in the previous video. Okay, so first of all, if any body is there, and if in that body, charge means electrons. Electrons are an axis, means electron and protons are unable to neutralize each other. This is an object, electron comes over here. Initially it was a neutral state, but when this electron come up here, then this body gets negatively charged. Okay, and when if any electron will leave, then this object will be positively charged. Means excess of electron leads to the negatively charged body, and deficiency of electrons leads to the positively charged body. Okay, now अब हम protons को क्यों नहीं use करते हैं? ठीक है, तो देखिए protons हमारा fundamental particle नहीं होता है. हमारा fundamental particle है electron, that can't we cannot divide electron further, but yes, proton can be divided further, and which we have figured in 1960 somewhere. Means in 1960 a theory was given in which proton was divided into two up quarks and one down quarks. Iska charge hota hai plus 2y3. ये वन का है, ये एक अप क्वार्क का है, ऐसे ये दो होते हैं उसमें. ठीक है, और एक डाउन क्वार्क का चार्ज होता है माइनस 1/3. जब आप इसका टोटल सम कर देते हैं, टू अप क्वार्क्स रहते हैं एक प्रोटॉन में, टू अप क्वार्क्स वन डाउन क्वार्क्स. ओके, इन दैट केस 2/3 वन चार्ज आपको मिल जाता है, जिसको हम लिख देते हैं प्लस वन. ऐसे लिख देते हो ना, प्रोटॉन का चार्ज प्लस वन ही लिखते हैं. एंड इलेक्ट्रॉन का माइनस वन ही. तो मतलब प्रोटॉन को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. तो क्या मतलब फिर हम और भी पॉसिबल है छोटे चार्ज को जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन उस केस में जो क्वार्क्स रहेंगे ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते, तो हम इनको ट्रांसफर नहीं कर सकते. ओके, नाउ आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा. लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. इट मींस दैट इफ यू वांट टू ट्रांसफर सम चार्ज क्यू, देन वी नीड टू ट्रांसफर सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो कैन आई राइट इट लाइक दिस? ओके, दिस कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, नेगेटिव ऑल्सो. क्योंकि अगर जो भी हमें चार्ज बताना है, दैट कैन बी ड्यू टू प्रोटॉन्स ऑल्सो. कहीं पॉजिटिव चार्ज है तो हम वहां पे बताएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव हो गए, कितने वहां पे प्रोटॉन्स एक्सेस में है. तो जनरली नेट चार्ज होता है वो प्लस माइनस हमारा इंडिकेट करेगा एक्सेस और ओके. सो आई वॉज सेइंग क्यू इज इक्वल टू एनी, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सेज दैट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बिकॉज दोनों का चार्ज तो हमारा कितना होता है, E इक्वल्स टू 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एंड N इक्वल्स टू नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स. ओके, एंड दिस Q गिव्स नेट चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के पीछे जो है हमारा बेसिक रीजन क्या है, इसका कॉज अगर मैं पूछूं क्या है, तो इसका कॉज यही है कि हम इंटीग्रल मल्टीपल्स में इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो हमारे लिए कितना चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा. इसलिए ये हमारा बेसिक इसका रीजन है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज ओके एडिटिविटी. दिस एडिटिविटी ऑफ चार्ज मीन्स एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज. अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, if we want to calculate the net charge on any body, then we can have that value by simply adding all the different charges
by considering their nature. Means we have already discussed two types of charge, they are positive and negative. So we simply symbolize those charges with positive or negative value, like minus 1 microcoulomb, 2 microcoulomb, minus 3 microcoulomb. तो हम इन सिंबल्स को कंसीडर करके माइनस वन टू माइनस थ्री इनको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं. करते हैं माइनस वन प्लस टू माइनस थ्री, जो भी वैल्यू हमारी आएगी वो हमारा नेट चार्ज रहता है किसी भी बॉडी पे. यही हमारी प्रॉपर्टी, मतलब हम सिंपली एल्जेब्रिकली टर्म्स को ऐड कर सकते हैं टू फाइंड आवर नेट चार्ज ओवर अ बॉडी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अर्थिंग. व्हाट इज अर्थिंग और ग्राउंडिंग? एक्चुअली आप सबने देखा होगा अर्थिंग और ग्राउंडिंग बहुत जगह आपको सुनने को मिला होगा. एक्चुअली इट इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग चार्ज विथ अर्थ, शेयरिंग चार्ज विथ अर्थ. This is the process. Actually होता क्या है इसके लिए एक छोटा सा example हम आपको दे देते हैं. देखिए, जहां पे charge concentration बहुत ज्यादा होता है और जहां charge concentration थोड़ा सा कम होता है तो higher concentration lower से flow करता है simply. और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये दो water है tank है, घरों पे भी दो दो पानी की टंकी लोग रख देते हैं, फिर उनको कनेक्ट करते हैं. अगर यहाँ पानी यहाँ इस लेवल तक फिल है और यहाँ पे वाटर लेवल ये है, ठीक है, तो ड्यू टू दिस डिफरेंस वाटर विल फ्लो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड अंटिल दे बोथ गेट एट द सेम लेवल. सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फ्लोइंग ऑफ सिमिलरली लाइक चार्जेस ऑल्सो फ्लो लाइक दिस ओनली एंड like this is the head gap over here and in this it is known as a potential difference. Due to the potential difference only the charge used to flow. We will be discussing the potential difference in the next videos, but right now you need to understand simply the process of sharing of charge with earth. Means earth can have too much amount of charge. कभी भी आपने देखा होगा जो static charges की वजह से ये चीजें होती रहती हैं, बिजली गिरना, लाइटनिंग जो आप देखते हैं, तो ये सब क्या होता है, चार्ज हमारा पूरा अर्थ में शेयर हो जाता है जो भी एक्सेस चार्ज होता है. इसके बाद होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने की तरीके या प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एनी बॉडी. चार्जिंग कैन बी डन बाय द टू मेथड्स, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन. ओके, so charging by induction means charge is getting induced. Means like ki if any object is there, okay, this is positively charged and another sphere, if we will bring this sphere over here by holding in hand, okay, likewise कि मैं स्फीयर को पकड़ के ऐसे इसके पास ला रहा हूं, by maintaining some distance between them, और अगर मैं यहां पे कुछ देर के लिए इसको होल्ड करूं इस पोजीशन पे थोड़ी डिस्टेंस पे, then charge will induce, let's say this is sphere A, this is sphere B, the charge will induce on sphere B of the same magnitude but of अपोजिट नेचर. मीन्स इफ दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव विल गेट हेयर. ओके, सो दिस टाइप थिंग्स हैपन्स एंड ड्यू टू दिस नेगेटिव दिस पॉजिटिव ऑल्सो गेट हेयर. एक्चुअली ये कहीं से इंड्यूस नहीं होता है, चार्जेस बेटा हमेशा ऑब्जेक्ट में रहेगा, कोई भी मटेरियल हो उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटोन्स तो होते ही हैं, बट ड्यू टू सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई सम चार्ज
इसकी वजह से क्या होती है, चार्जेस अलाइन हो जाते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। हाँ, अब इसको कैसे चार्ज वगैरह करते हैं ये, इसके लिए मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं इंडक्शन और कंडक्शन दोनों की प्रोसेस डीपली बताऊंगा। अभी तो केवल ये बता देता हूँ कि इसमें होता कैसे है। मीन्स विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू चार्जेस अ अनचार्ज मेटालिक स्फीयर कैन ऑल्सो बी चार्ज बाई कीपिंग इट नियर द चार्ज बॉडी और चार्ज स्फीयर बट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। एंड इन दिस कंडक्शन फिजिकल कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड। ओके, सो दैट इज कंडक्शन मीन्स अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इज देयर और एनी चार्ज स्फीयर वी विल टेक नेगेटिव इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो, ताकि आपको ये कंफ्यूजन रहेगा हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज हमने ले लिया, इसके पास में इसे कॉन्टेक्ट करवाया हमने दूसरे अनचार्ज स्फीयर को, एक अनचार्ज स्फीयर हमने इसमें आपका ऐड करवाया और इससे क्या रहेगा कि जो इसका अमाउंट ऑफ कुछ चार्ज रहेगा वो इसमें फ्लो कर जाएगा बिकॉज हियर चार्ज कंसंट्रेशन इज हाई। लाइकवाइज अगर मैं वाटर टैंक से कंपेयर करूं तो दिस इज फुल एंड दिस इज एम्प्टी, तो यहां से यहां कुछ चार्जेस फ्लो करके आएंगे एग्जैक्टली हाफ अमाउंट आप कह सकते हैं सेम नेचर के, तो यहां से फ्लो कर जाएगा। अगर दो टैंक है एक फुल है एक हाफ है, एक फुल है एक बिल्कुल एम्प्टी है, तो अगर इन दोनों को आप बिल्कुल बॉटम से कनेक्ट कर दोगे तो हाफ ऑफ स्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली यहां से कंसंट्रेशन तब तक इसमें से चार्ज फ्लो करेगा जब तक ये दोनों सेम पोटेंशियल पे ना आ जाए। ओके, सो दिस इज अ रफ व्यू ओवर इंडक्शन एंड कंडक्शन, दीज टू आर गुड टॉपिक्स हैविंग considerable depth in it, so we'll be discussing it in the next videos। And आज आपके लिए एक मैसेज भी है कि आप सब लोग इन नोट्स को नोट डाउन करें, जब भी कॉलेज ओपन होगा मुझे सब चीजें आपकी नोटबुक में चाहिए हैं, चाहे आप कॉपी रेफरेंस यूज कर रहे हो या वीडियो से ही आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आप करते जाएं। अगर ये सब आपकी नोटबुक में नहीं होगा तो आप लोग समझदार हैं फिर। चलिए, okay, so that's enough for today.